hello students and welcome to roshi's education point today we will be starting with your insight a multi-skill english course book for class 7th chapter 2 and the name of the chapter is the spider and the fly let's recite will you walk into my parlor said the spider to the fly this is the prettiest little parlor that ever you did spy the way into my parlor is up a winding stair and I've many curious things to show when you are there oh no no said the little fly to ask me is in vain for who goes up your winding stair can never come down again yahaan par jo spider hai spider वो एक फ्लाई से पूछ रही है एक मक्खी से पूछ रही है कि क्या तुम मेरे पार्लर में आना चाहोगे यानी कि क्या तुम मेरे घर में आना चाहोगे दिस इज़ द little लिटिल पार्लर ever you यूनिट स्पाई वो फ्लाई से कह रहा है स्पाइडर कि ये सबसे सुंदर एक पार्लर है तुमने आज तक ऐसा तो कभी देखा ही नहीं है द वे इन टू माई पार्लर इज अ वाइंडिंग स्टेयर यहाँ पर एक ऐसे कर्वड करके सीढ़ियाँ हैं तो ऐसा एक रास्ता है जो मेरे घर तक जाता है एंड आई हैव मेनी क्यूरियस थिंग्स टू शो व्हेन यू आर देयर स्पाइडर आगे बोलता है एक बार तुम मेरे घर पे आ जाओगे तो बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ लेकिन फ्लाई ने जवाब दिया ओ नो नो टू आस्क मी इज इन वेन वेन का मतलब यूजलेस है मुझसे पूछना फॉर हु गोसोर वाइंडिंग स्टेयर कम डाउन एक बार जो उस घुमावदार रास्ते से तुम्हारे घर तक चला जाता है ना वो कभी भी वापस नहीं आता है स्पाइडर का जो वेब होता है वो इस तरीके से होता है मकड़ी का जाला इसमें अगर एक बार कोई फंस गया तो कोई बाहर नहीं आ सकता इसीलिए फ्लाई ने उसको मना कर दिया कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊंगा आई एम श्योर You must be weary, dear, with soaring up so high. Will you rest upon my little bed? said the spider to the fly. Spider ने बोला कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे इतना ऊपर उड़कर जाते हो तुम हवा में तो मैं सिर्फ तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्या तुम मेरे बेड पर थोड़ी देर रेस्ट करोगे क्या देर आर प्रिटी curtains ड्रॉन अराउंड The sheets are fine and thin, and if you like to rest a while, I'll snugly tuck you in. Spider आगे बता रहे हैं कि बहुत सुंदर सुंदर curtains यानी कि पर्दे लगे हुए हैं शीट्स हैं बहुत सुंदर पतली सी और अगर तुम चाहो कि तुम रेस्ट करना चाहते हो थोड़ी देर तो मैं तुम्हें वहाँ पर अच्छे से टक भी करूँगा ब्लैंकेट उड़ा कर थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दूँगा Oh no no, said the little fly. For I've often heard it said, they never, never wake again, who sleep upon your bed. Chhote se fly ne phir se mana kar diya, ki nahi, nahi, maine aksar yeh suna hai, ki ek baar jo tumhare bed par so jata hai, wo dubara kabhi uth nahi pata hai. Said the cunning spider to the fly, Dear friend, what can I do to prove the warm affection I've always felt for you? अब ये जो स्पाइडर था वो बहुत चालाक था वो सिर्फ फ्लाई को किसी ना किसी बहला तरीके से जिससे वो उसको अपने स्पाइडर वेब में लेकर आ जाए और फिर उसे खा ले। तो वो फ्लाई को बोलता है कि अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना अफेक्शन है मैं तो चाहता हूँ तुम रेस्ट कर लो ऐसे वो झूठ बोल रहा था आई हैव विद इन माई पैंट्री

मेरे पास इतना सारा खाना है और तुम वेलकम हो मेरे घर पे आने के लिए और उसमें से थोड़ा सा खाना खाने के लिए लेकिन लिटिल फ्लाई ने फिर से मना कर दिया कि ये तो नहीं हो सकता है आई हैव हर्ड वॉट्स इन योर पैंट्री एंड आई डू नॉट विश टू सी फ्लाई ने बोला मुझे पता है तुम्हारी पेंट्री में तुम्हारे कबोर्ड में रूम में क्या है मुझे तो नहीं देखना है उसको स्वीट क्रीचर सेट द स्पाइडर

मेरे वहाँ पर मेरे वेब के अंदर एक कांच है तो अगर तुम ऊपर चलोगे बस एक ही देर कुछ ही देर के लिए अगर तुम मेरे घर पर आते हो तो तुम भी देख सकते हो खुद से कि तुम कितनी सुंदर लग रहे हो आई थैंक यू जेंटल सर शी सेड फॉर वॉट आर प्लीस्ट टू से यू गुड मॉर्निंग नाउ आई कॉल अनादर डे अब फिर से फ्लाई ने बोला कि uh, मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आपने मुझे इतना सारा बुलाया अपने घर में इनवाइट किया लेकिन गुड मॉर्निंग और अब मैं आपसे किसी और दिन मिलूंगी, वहाँ से लिटिल फ्लाई जाने चाह रही थी द स्पाइडर टर्नड हिम अराउंड राउंड अबाउट एंड वेंट इन टू हिज डेन फॉर वेल ही न्यू द सिली फ्लाई वुड सून कम बैक अगेन स्पाइडर ने कुछ ज़्यादा नहीं बोला और चुपचाप टर्न होकर वो अपने घर की तरफ चले गए क्योंकि उसे पता था कि ये जो बेव को फ्लाई है ना ये वापस ज़रूर आएगा सो ही वो अपट्टल वेब इन टू अ लिटल कॉर्नर स्लाई एंड सेट हिज टेबल रेडी टू डाइन अपॉन द फ्लाई तो उसने क्या करा अपना एक छोटा सा कॉब वेब बनाया मकड़ी का जाला बनाया और एकदम ऐसे कोने में जाके बनाया ताकि कोई उसे देख ना पाए अपनी टेबल्स रेडी कर ली क्योंकि आज तो उसे फ्लाई का खाना खाना था देन ही केम आउट टू हिज डॉर अगेन एंड मेरलीड डिड सिंग कम हितर हितर प्रिटी फ्लाई विद द पर्ल एंड सिल्वर विंग योर रोब्स आर ग्रीन एंड पर्पल देर इज अ क्रेस्ट अपॉन योर हेड योर आईज आर लाइक द डायमंड ब्राइट बट माइन आर डल एज लेड वो वापस से आया अपने घर के बाहर और फिर वो बहुत खुशी से गाना गाता है कम इधर इधर आओ मतलब इधर आओ फ्लाई विद द पर्ल एंड सिल्वर विंग एकदम चमकीले सिल्वर कलर के तुम्हारे विंग्स हैं योर रोब्स आर ग्रीन एंड पर्पल रोब्स मीन्स लॉन्ग लूज आउटर पीसेस ऑफ क्लोथिंग जो कपड़े उसने पहन रखे थे वो ग्रीन और पर्पल कलर के हैं इज अ क्रेस्ट अपॉन योर हेड योर eyes आर लाइक द डायमंड bright, तुम्हारे सिर के ऊपर एक क्रेस्ट रखा हुआ है तुम्हारी जो आंखें हैं वो डायमंड्स की तरह चमक रही हैं, लेकिन मेरी डल है अल्लास अल्लास हाउ वेरी सून द सिली लिटिल फ्लाई hearing his wily फ्लैटरिंग वर्ड्स केम स्लोली फ्लिटिंग बाय इतने में ही क्या हुआ वो जो छोटी सी लिटिल फ्लाई थी उसने अपने बारे में ये जो एकदम चंट चालाक स्पाइडर था उसने इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले थे फ्लाई के लिए कि फ्लाई वहाँ से अपनी इतनी तारीफें सुनकर चुपचाप इसके पास आ गई विद बजिंग विंग्स शेव हंग अलोफ्टे नियर एंड नियर अर ड्री थिंकिंग ओनली ऑफ अ ब्रिलियंट आइज एंड ग्रीन एंड पर्पल ह्यू वो अपनी विंग्स लेकर वहाँ पर उसके पास उड़ती हुई आ रही थी पास और पास स्पाइडर के पास वो आती जा रही है उस टाइम पर उसके माइंड में सिर्फ उसके ब्रिलियंट विंग्स चल रहे थे उसकी आईज उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो चल रहे थे थिंकिंग ओनली ऑफ क्रेस्टेड हेड पुअर फुलिश थिंग एट लास्ट अब जम्प द कनिंग स्पाइडर एंड फ्यसली हेल्ड हर फास्ट जैसे ही वो फ्लाई स्पाइडर के बहुत पास आई वैसे ही स्पाइडर ने जंप करा और फियर्सली अग्रेसिव तरीके से उसे पकड़ लिया ही ट्रैक्ट हर अपर इन टू हिज डिसम डेन विद इन हिज लिटल पार्लर बट शी नेवर कम आउट अगेन वो स्पाइडर उसे घीसते हुए अपने कर्वड स्टेर केस से अपने घर में लेकर गया जो काफ़ी ज्यादा उसने अंधेरे में बनाया हुआ था और अब वो दोस्त के घर में एक बार जा चुकी थी दोबारा से वो कभी वहाँ से बाहर नहीं आई एंड नाउ डियर लिटिल चिल्ड्रेन हु मे द स्टोरी रीड टू आइडल सिली फ्लैटरिंग वर्ड्स आई प्रे यू नेवर गिव हीड तो ये जो बच्चे ये स्टोरी सुन रहे हैं उनसे हमारी पोएट ये कहना चाहती हैं कि कभी भी अगर कोई आपकी ऐसी ही तारीफ करे तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन टू एन ही विल heart क्लोज हार्ट एंड ईयर and आई एंड टेक अ लेसन फ्रॉम दिस टेल ऑफ़ द स्पाइडर एंड द फ्लाई ऐसे ही कोई भी जो भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो आपके पहले तो बहुत ज़्यादा क्लोज आएंगे आपकी तारीफें करेंगे तो उस टाइम पर आपको इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए जैसा स्पाइडर और फ्लाई ने एक दूसरे के साथ किया वैसा अगर कोई भी आपके साथ करे आपकी तारीफें करे जैसे स्पाइडर ने किया तो आपको कभी भी उस पर ध्यान नहीं देना है और वहाँ से दूर चले जाना है सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर आई होप यू अंडरस्टूड इट इफ़ यू लाइक माई वीडियो kindly like and subscribe. थैंक यू फॉर watching.